सुप्रभात अच्छू, अब हम कड़कंड का आपके दूसरे सर्ग जिसका नाम है दिन सभा में द्रौपदी, उसका सारांश देखेंगे। आपने देखा पहले सर्ग में कि स्वयंवर सभा में द्रौपदी ने कर्ण को अपमानित किया और फिर अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया और द्रौपदी का वरण किया। तो द्वितीय सर्ग में कथानक ये है कि अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया, द्रौपदी का वरण किया और जब वो घर आए तो कुंती ने कहा कि पांचों बांट लो, क्योंकि जब वो भिक्षा लेकर आते थे तो कुंती को कुंती से जब पूछते थे कि क्या करें तो कुंती कहती थी कि पांचों मिलकर बांट लो। और इस बार भी यही हुआ, द्रौपदी ने कहा, कुंती ने कहा कि पांचों मिलकर बांट लो और कुंती की आज्ञा और कुंती के आशीर्वाद से द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बन गई। रूपमयी द्रौपदी बनी पत्नी पांचों पांडवों की, ठीक है, वो पांचों पांडवों की पत्नी बन गई। और इधर क्या हुआ कि भीष्म पितामह विदुर के समझाने से महाराज धृतराष्ट्र ने आधा राज्य पांडवों को दे दिया और आधा कौरवों को दे दिया। आधा पांडवों को राज मिल गया, आधा कौरवों को। इंद्रप्रस्थ जो एक खंडहर था वो पांडवों को मिला और पांडवों ने उसमें नौ निर्माण किया। और फिर महाराज डिस्ट्रिक्ट राजसू यज्ञ करने के लिए विभिन्न राजाओं को उन्होंने इसमें आमंत्रित किया और उसमें उन्होंने दुर्योधन को भी बुलाया, धृतराष्ट्र जी भी गए थे। और जब दुर्योधन वहाँ पर गया तो वो महल ऐसा बना था कि जल में थल का आभास होता था और थल में जल का आभास होता था। और दुर्योधन के साथ भी यही हुआ, जब वो जल को थल समझ करके उस पर जब वो पैर रखा वो उस जल में गिर गया। और इसे देख कर द्रौपदी ने उसका मजाक उड़ाया। द्रौपदी ने कहा कि अंधे को तो अंधा ही होता है और ये बात दुर्योधन को चुभ गई और वो बस उसी बात को सोचता रहता था। और जब वो वापस अपने हस्तिनापुर के महल में आया तो मामा शकुनी के साथ मिल करके द्युत सभा का आयोजन किया। उस द्युत सभा में द्युत क्रीड़ा के लिए पांडवों के पास निमंत्रण भेजा गया। और उस समय ये परंपरा थी कि जो क्षत्रिय था वो युद्ध और द्युत का जो निमंत्रण होता था वो अस्वीकार नहीं करता था। इसके लिए युधिष्ठिर ने हामी भर दी और युधिष्ठिर वहाँ पर आए, मतलब पांचों पांडव वहाँ पर आए और युधिष्ठिर एक एक करके सब हारते जा रहे थे। वो पांडवों को भी, वो अर्जुन भीम नकुल सहदेव को भी हार गए, स्वयं को भी हार गए और फिर उन्होंने द्रौपदी को भी जुए में लगा दिया। और फिर कर्ण दुर्योधन विजयी हुआ क्योंकि मामा जो शकुनी थे उनकी जो चाल थी वो आप सभी जानते हैं, महाभारत का कथानक आप जानते हैं कि छल और कपट से उसने सब कुछ जीत लिया। और द्रौपदी को भी युधिष्ठिर उस द्युत क्रीड़ा में हार गए। और जब उस द्वित क्रीड़ा में द्रौपदी को हार जाते हैं तो दुर्योधन आज्ञा देता है दुशासन को कि जाओ द्रौपदी को लेकर आओ। द्रौपदी उस समय रजस्वला थी, उनके केस खींचते हुए जब दुशासन सभा में ले आया तो द्रौपदी ने भीष्म पितामह के चरण छुए। गुरु द्रोणाचार्य की अभ्यर्थना की, कृपाचार्य तो एक उनके रिश्तेदार के ही रूप में उपस्थित थे, दुर्योधन भी क्या थे, उनके देवर थे। उस सभा में द्रौपदी ने सबसे प्रश्न किया कि जहाँ पे इतने विद्वत जन बैठे हों वहाँ पर एक अबला के साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है। द्रौपदी पुकार लगाती रही, गुहार करती रही कि कोई उसका प्रत्युत्तर नहीं दे रहा था। दुर्योधन ने तो उन्हें बुलाया ही था अपमानित करने के लिए, चाहे वो भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, गुरुवर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य हो, विदुर इकलौते ऐसे थे जिन्होंने उस स्वयंवर सभा में द्रौपदी के साथ ये जो कुकृत्य हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने बोला था, लेकिन उन्हें भी देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही कह करके चुप करा दिया। दुर्योधन का भाई जो विकर्ण था, सबसे छोटा, वो भी इसके विरोध में बोला था। कर्ण उस अपमान की ज्वाला में जल रहे थे जब द्रौपदी ने कहा था कि सूत पुत्र के साथ नहीं मेरा गठबंधन हो सकता, क्षत्राणी का प्रेम न निज गौरव को हो सकता। वो उसी अपमान का बदला लेने की ताक में थे और इसलिए उन्होंने भी विकर्ण को चुप कराते हुए द्रौपदी का अपमान किया। दुशासन हरले वस्त्र हरले कृष्णा के सारे, वह पुकार ले रो 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 कर वह चाहे जिसे पुकारे।
और आप सभी जानते हैं कि उस द्यूत सभा में द्रौपदी के चरित्र की रक्षा की उनके मुंह बोले भाई प्रभु श्री कृष्ण ने। और कैसे कि ये आपको पता है कि उनके वस्त्र को वो बढ़ाते गए और दुशासन खींचते खींचते थक गया और अंत में गांधारी आई और उस प्रक्रिया पर उन्होंने विराम लगाया। लेकिन कर्ण को जो उसके मुख से ये वचन निकले थे इसका पछतावा उसे जीवन पर्यंत रहा। वो कहता भी है कृष्णा के आंसू की जब जब याद उसे आती है प्राणों को और मन को तड़पाती है। तो यही पे दूसरा सर्ग समाप्त हो जाता है। कर्ण ने द्रौपदी के विरोध में तो बोला था लेकिन उसे इस बात का दुख जीवन पर्यंत रहा। ठीक है, यही द्वितीय सर्ग में है। आइए हम देखते हैं। विप्रवेशधारी अर्जुन ने लक्ष्य वेध कर डाला, आगे बढ़कर द्रुपद सुधा ने पहनाई वरमाला। मची बड़ी हलचल पर पीछे भेद खुल गया सारा, चकित मौन सब चली सिंध के साथ नदी की धारा। क्योंकि हमने आपको बताया कि उस समय जो है कि लाक्षागृह में ऐसा माना गया था कि पांडव जलकर नष्ट हो गए हैं और लेकिन पांडव बच गए थे और ये सब किसके वेश में थे, ब्राह्मण के वेश में थे। जब उन्होंने लक्ष्य वेध किया अर्जुन ने तो ब्राह्मण वेश में थे, लेकिन उसके बाद ही जब और भी जो राजकुमार हैं वो अर्जुन से युद्ध करने के लिए तत्पर हुए तो भेद खुल गया कि ये अर्जुन ही है। रूप में ही द्रौपदी बनी पत्नी पांचों पांडवों की, बनी स्वामिनी पांचों के अकलंक प्रेम वर्ग होगा। विदुर आदि के समझाने से मिला राज भी आधा, राज सुई का काम पांडवों ने सहर्ष पिटता था। ठीक है, फिर विदुर के समझाने से आधा राज मिल गया और राज सुई का जो काम था वो पांडवों ने किया। सफल हुआ यह यज्ञ पांडवों का, उज्जवल यश फैला, किंतु देश से उठा सुलग दुर्योधन का मन मैला। और रासोई यज्ञ अच्छी तरह से संपन्न हुआ और युधिष्ठिर की कीर्ति चौ दिशाओं में व्याप्त हो गई। एक और कुछ ऐसी घटना हुई कि धरती ज्वाला, महानाश ने नयन उधारा, प्रलय मचाने वाला। राजसभा में दुर्योधन को लगा कि जलरी स्थल है और कहीं ब्रह्म हुआ कि स्थल ही श्यामल का जल जल है। व्यंग किया जब द्रुपद सुधा ने, भ्रम यह लगा गरज था, दुर्योधन का हृदय से जलने लगा आनंद। यह जो व्यंग बाढ़ छोड़े थे द्रौपदी ने, ये दुर्योधन को अग्नि के समान उसके सीने में धधकने लगे। क्रुद्ध सर्प सा अपने विष की ज्वाला में मधमाता, लौट राजधानी में आया व्याकुल होठ चबाता। गुप्त मंत्रणा की हट से आज्ञा राजा की पाई, लेने को प्रतिशोध कपट से जिद सभा बुलवाई। ठीक है, अब विरोध उसका विरोध करने के लिए कपट से जिद सभा का आयोजन कराया। हुए सम्मिलित पांचों पांडव काल चक्र के मारे, लगे हारने धर्म राजधन सर्वस सब कुछ हारे, सब कुछ हारने लगे युधिष्ठिर। राजपाट वाहन सब हारे, हारे राज खजाना, हारे भाई फिर अपने को दुख का नहीं बिताना। ठीक है, भाई भी हार गए। तब ललकारा दुर्योधन ने, चिंता नीति कहा कि कहा शकुनी ने, धर्मराज है अभी द्रौपदी बाकी। शकुनी ने कहा कि अभी द्रौपदी बाकी है। धर्मराज ने कहा द्वापर द्रुपद सुधा एक जाती, प्यास शकुनी ने अट्ठाहस फिर जीत हमारी आती। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि मैं बाजी में लगाता हूँ। आप देखो जो खुद हारा हुआ है उसने अपने पत्नी को लगा दिया था। जो खुद हारा है वो पहले खुद को हार गए थे, फिर उन्हें कोई अधिकार ही नहीं था कि वो द्रौपदी को लगाए। और द्रौपदी तो केवल उनकी ही नहीं थी ना, उनके अतिरिक्त उनके चार भाइयों की भी वो पत्नी थी। तो एकाधिकार केवल युधिष्ठिर का ही नहीं था, और युधिष्ठिर ने भी तो उनको जीता भी नहीं था लक्ष्य वेध करके, वो तो अर्जुन ने जीता था। तो इस सभा में युधिष्ठिर ने भी गलत किया था। पासे फेंके धर्मराज की हार हुई फिर भारी, कपट जाल से निकल न पाई द्रुपद सुता बेचारी। पासे फेंके धर्मराज की हार हुई फिर भारी, कपट जाल से निकल न पाई द्रुपद सुता बेचारी। दुर्योधन ने आज्ञा दी दुशासन जल्दी जाओ, पांचाली को जिस प्रकार हो सभा भवन में लाओ। उसने आज्ञा दी कि जाओ और द्रौपदी जिस भी अवस्था में उसे पकड़ के खींचते हुए लाओ। दुशासन आंधी सा दौड़ा, दौड़ा उस शिखर सा दौड़ा, जैसे क्रोध दौड़ता है रक्तताप पागल सा। लगी कांपने थर 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 सहमी सी पांचाली, देख देख कर दुशासन की मुख आकृतियां काली। पति परायण अबला हूँ मैं, छूमत मेरे तन को, मुझे लगा मत हाथ बुला मत अपने लिए मरण को। कहते मैं पति प्रता अबला हूँ और तू मेरे शरीर को मत छू, मुझे हाथ मत लगा। मैं पवित्र कुल वधू यहाँ की, पापी जरा ठहर जा, देख अकेली हूँ मत बढ़ पल भर करुणा से भर जा। कहती है मैं कुल वधू हूँ, पल भर करुणा से तो भर जाओ, मेरे पास तो मत आओ। विभुद सभासद दुर्योधन के, नहीं नरक के वासी, पांडव दास हुए तो कहता न्याय की कृष्णा दासी। कहते हैं कि पांडव दास हो गए। अब ये एक पेज और चल गया।
किंतु तनिक भी दया न आई। दुशासन के मन में थाम के कृष्णा को लाकर पटका सभा भवन में खींचते हुए पकड़ के ले आया था। पांडव नत्सिर बैठे थे, आंखों में थी चिंगारी, संभव है घेरे हो उनको उलझन या लाचार। भीम अर्जुन सब क्रोधित थे, उनकी आंखों में चिंगारी थी लेकिन वो चुप होके बैठे थे, लाचारी थी उनकी। कृष्णा की आंखों से अविरल बहती थी जलधारा, सहमी हुई मृगी से उसने चारों ओर निहारा। फिर बोली है, पूज्य गुरुजनों एक प्रश्न है मेरा, इतने रवि के रहते कैसे आया अनय अधेरा। इतने शूर बैठे हुए हैं भीष्म पितामह, कुरुवर द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, विदुर तनिक बिचारे धर्मराज ने लाई नीति कहाँ की, अपने को ही हार गए अधिकार कौन फिर बाकी। जब वो अपने को ही हार गए तो फिर मेरे भी उनका क्या अधिकार रहा। शेष ने जब अधिकार मुझे कैसे हारे वे बोलो, लाज लुट रही कुल ललना की आप भेद सबको में। जब उनको अधिकार ही नहीं था तो मुझे वो कैसे हार गए आप मुझे बताएं। दुर्योधन के सभा भवन में कौन वीर जो बोले, किसमें इतना साहसी था जो निर्भय हो मुंह खोले। दुर्योधन की सभा में ऐसा कौन वीर था जिसमें इतना साहस था कि वो निर्भय होकर मुंह खोले। द्रोणाचार्य भी बधे हुए थे, विश्वामित्र भी बधे हुए थे, उनको बोलना चाहिए था। किस बात की व्यवस्था थी उन्हें, व्यवस्था इस बात की थी विश्वामित्र को, उन्होंने प्रण किया था कि जो इस गद्दी पर बैठेगा मैं उसके साथ रहूंगा, तो क्या वो अनुचित पर भी बोल रहा, अनुचित पर ना बोलने की कसम दोनों ने नहीं खाई थी ना। देख मौन का आधिपत्य गर्जा विकर्ण बदमाता, जैसा चीर सिंधु की छाती महाज्वार उठाता। और जब सब मौन थे चुप थे तो ऐसे में दुर्योधन का ही छोटा भाई विकर्ण बोलता है, पांचाली का प्रश्न खड़ा है एक चुनौती बनकर, किंतु दे रहे नहीं सभासद गुरुजी कोई उत्तर। दूध दाव पर धर्मराज का पांचाली को रखना, कैसे उचित पूछता है कृष्णा का करोड़ विलखना। उस दूध दाव पर धर्मराज ने जो द्रौपदी को रखा वो कैसे उचित है, कृष्णा विलाप करते हुए पूछ रही, आप सब उसका उत्तर दो। मेरे मत में धर्मराज का वह अधर्मता भारी, जिसके कारण अपमानित हो रही आज कुल नारी। और मेरी समझ से तो विकर्ण कहता, मेरी समझ से तो ये धर्मराज का अधर्म था जो उन्होंने किया, और जिसका जो परिणाम है वो इस नारी को भुगतना पड़ा है, कुलवधू को भुगतना पड़ा है, अपमानित हो रही है आज इस सभा में। कृष्णा हारी वस्तु नहीं है और न वह दागी, सभा सदा मत पाप करो मत बनो नरक के वासी। कहते कृष्णा कोई हारी हुई वस्तु नहीं है और न ही उसके वो दागदार है, आप ऐसा पाप मत करो और नरक के भागी मत बनो। उत्तेजित हो उठे कर्ण, फिर बोले क्रूर स्वरों में, चुप बिकर्ण तू शिशु है मत पर इन प्रगूढ़ लहरों में। और जब कर ऐसे विकर्ण ऐसे बोल रहा था तो कर्ण उसके खड़े हो जाते और विकर्ण का विरोध करते हैं कि तू चुप हो जा, तू अभी बच्चा है, तू क्या जाने सभा भवन की नीति धर्म की बातें, तू क्या जाने राजनीति के घात और प्रतिघात, तुझे क्या पता राजनीति क्या होती है। विदुर विभुत सभा सब दुर्योधन के नहीं नरक के वासी, पांडव दास हुए तो कहता न्याय के कृष्णा दासी। कहते हैं ये सभा सब जो है कि कोई भी नरक का वासी नहीं है, कर्ण बोलता है, और जब पांडव दास हुए तो न्याय यही कहता है कि द्रौपदी दासी हुई। कुल लल्ला का नाम न ले, द्रौपदी नहीं है कुल लल्ला, जिसके पति हो जिसके पांच उसे कहते प्रभु ना सुनना। कहता उसे कुल लल्ला नहीं है, जिसके पांच पति हो वो कुल लल्ला नहीं होती, वो प्रवचना और छलना होती है। दास आज पांडव गुरुकुल के और द्रौपदी दासी, यही न्याय अन्याय कौन कहता है सत्यानाशी, यही न्याय है अन्याय कौन कह रहा है इसे। दुष्टाचर मत ठहर वस्त्र, फिर वो दुशासन को संबोधित करके कहता है, दुशासन मत ठहर वस्त्र, हर ले कृष्णा के सारे, वह पुकार ले रो रो कर वह चाहे जिसे पुकारे। क्रूर शब्द ये उसके हैं जो जग में विस्तृत ज्ञानी, न्याय दान है जिसकी अक्षय दान कहानी। कहते ये क्रूर शब्द उसके हैं जो संसार में ज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध है, जो अक्षय दान जो दानवीर के नाम से जाना जाता है ये उसका न्याय दान है, ये ऐसा न्याय दिया है। बैठे हो जिस सभा भवन में गुरु ज्ञानी विज्ञानी, वही महा अमानवता की ऐसी हुई प्रणीत कहानी। जहाँ पे ज्ञानी विज्ञानी लोग बैठे थे वहाँ पे अमानवता की ऐसी क्रूर कथा घटी थी। कुल लल्ला की लाज लुटे ऐसी बजी नबल वीरों की, नारी का अपमान न ज्वाला भड़की रणधीरों की। कुल लल्ला की इज्जत जारी थी और किसी भी वीर की तलवार नहीं होती। धर्म न धसा धरा में धरड़ी फटी नंबर डोला, नहीं इंद्र का महादिव्य विध्वंसक तन्युद बोला। कर तुम्हारे जीवन की यह काली काली रेखा, मिटी न तुमने किए यत्न धोने का युग ने देखा। और मिस्टर प्रभाष जी कहते हैं कि कर यह तुम्हारे जीवन की काली रेखा, क्योंकि ये जो शब्द थे वो तो कर्ण के थे ना, तुमने इसे धोने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन वो धुल नहीं पाया और इसे संसार ने भी देखा। जब जब कृष्णा के आंसू की तुम्हें याद आती थी, कोई याद तुम्हारे मन में प्राणों को तड़पाती थी, सत्य की तुम थे कर्म भी
बल वीर धन भारी भी, दानी और महादानी पर महा अहंकारी भी। कहते सत्य है कि तुम कर्म वीर थे, बल वीर थे, धन को धारण करने वाले थे, दानी थे, महादानी थे, लेकिन साथ ही अहंकारी भी थे। तो यहाँ पे दूसरा सर्ग समाप्त होता है। तो आपके परीक्षा में सर्ग का सारांश निकले आता है, तो आप सारांश लिखते हैं तो अगर बीच बीच में आप पंक्तियाँ लिख देते हैं तो इससे आपको मार्क्स मिलने की पूरी संभावना रहती है। 3 नंबर का भी आता था और आगे भी 3 नंबर का आएगा ये खंड काव्य का सारांश। तो अगर आप सारांश लिखते हैं और बीच बीच में पंक्तियाँ लिख देते हैं तो उससे आपको पूरे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। तो आप ऐसा ही एग्जामिनेशन में लिखिएगा, ये आवश्यक है। और इसलिए मैंने इसको पढ़कर भी आपको सुना दिया कि कुछ पंक्तियाँ आप नोट कर लें, उसे कॉपी में लिख लें और उसे याद कर लें। सारांश तो आपको याद ही होगा क्योंकि महाभारत का कथानक आपने सुना ही होगा, ठीक है। और जो पंक्तियाँ नहीं लिखेगा बीच में उसको पूरे मार्क्स मिलने के